फातिमा ज़हरा माशाल्लाह सहारे ले ले के चलती है और अब मेरी किसी भी चीज़ की खैर नहीं होती, सारी चीज़ें नीचे गिरा देती है। इधर आ जाओ फातिमा, आ जाओ चल के तो दिखा दो बगैर सारे खा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डरती है अभी अभी फातिमा ज़हरा डरती है। ओए माशाल्लाह गिर गई। ओए ओए मम्मी की नज़र लगी मेरी बेटी को। ओए सदके, अरे मम्मी की तशबीह आप ख़राब कर देती हो। माशाल्लाह फातिमा ज़हरा ने जब से चलना सीखा है ना, मेरी कोई चीज़ सलामत नहीं रहती। ये देखे इतनी सारी चीज़ें नीचे फेंकी हुई हैं, ये इस बॉल पड़ा हुआ था ये भी सारा मेरे ख्याल में नीचे गिरा दिया है। और ये देखो जो जो हाथ लगा है मेरी बेटी नीचे गिराए जा रही है। बिस्किट फैला दिए, इसकी ना फर्नीचर की शक्ल ऐसी, अगर कोई ये कहे ना कि इसमें मट्टी है तो ये फर्नीचर की शक्ल इतनी मनहूस है। अच्छा और ये देखे, अब आपको लग रहा होगा यहाँ मट्टी है, यहाँ कोई मट्टी नहीं है, इसकी शक्ल मनहूस है। तो ये देखें फातिमा ज़हरा की यहाँ फेवरेट चीज़ें पड़ी हुई हैं छोटी छोटी, जो जी में आ रहा है वो नीचे फेंक रही है और कुछ चीज़ें वो कामयाबी से नीचे फेंक चुकी है। फातिमा ज़हरा, मैं तो अल्लाह में से बेटी मांगती थी कि मुझे बेटी दे, मेरी सहेली होगी, मैं शायद काम करवाएगी, वो सहेली तो यहाँ काम ख़राब कर रही है। ये देखो तो ये ले लो आप, ये ले लो। अरे माशाल्लाह ये देखो जो हाथ लग रहा है वो नीचे फेंक रही है। ये देखो जैसे ये कोई करने वाला काम हो कि चीज़ें वहाँ से उठा उठा के नीचे फेंक रही हैं, उठाओ नीचे फेंको, उठाओ नीचे फेंको। मेरी बेटी को लग रहा है कि वो ये भी कोई काम ही कर रही है मम्मी का, जबकि वो तो मम्मी का काम बढ़ा रही है। ये देखो सब कुछ नीचे, सब कुछ नीचे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो फातिमा ज़हरा जाग रही है और फातिमा ज़हरा ने ज़बरदस्ती मुझे भी जगा रखा है, मुझे नहीं सोने दे रही। और माशाल्लाह फातिमा ज़हरा प्यारी प्यारी हरकतें करना शुरू हो गई है, इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करती है कि इसकी जो अदाएँ हैं वो देख देख के मेरा दिल और मेरी आंखें ठंडी होती रहती हैं और मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है, सारी थकन उतर जाती है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जिनके बच्चे नहीं हैं अल्लाह मियाँ उनको एक बच्चा कम अज़ कम ज़रूर अता करे, ताकि वो इस तरह की प्यारी प्यारी चीज़ों से महरूम ना रहें, प्यारी प्यारी अदाओं से। तो मैंने गिला करना था आप लोगों से, मेरी वीडियोस क्यों नहीं देखते, और YouTube को मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कहती मैं YouTube को, अच्छा है YouTube। तो हाँ Facebook पे माशाल्लाह मेरी वीडियोस बहुत अच्छी चल रही हैं, YouTube पर पता नहीं क्यों इतने व्यूज़ डाउन हुए हुए हैं। इतना डांस क्यों कर रही थी अभी, है डांस क्यों कर रही थी, मैंने वीडियो बनाई है तो आपने डांस करना बंद कर दिया। बाबा की तरह बाबा 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 का वेट कर रही हो अब, मैं अभी कब से आपके बाबा का वेट कर रही हूँ, क्या पता कुछ खाने को लाए, मुझे भूख लगी हुई है। रात के 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और आमिर अभी तक घर नहीं आए और आज बड़ी ठंड है। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो मेरे नेल्स जो है ना वो आधे आधे नीचे से यहाँ से ऊपर, मतलब आधे आधे कासनी यानी पर्पल कलर के हो रही है, ठंड शदीद से होते हैं, मुझे बहुत ठंड लगती है और पता नहीं ये ठंड लगना कब बंद होगी। मुझे पहले ठंड नहीं लगा करती थी, कुछ सालों से लगती है और बहुत शदीद किस्म की लगती है। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि हर चीज़ ठंडी हो रही है, आमिर की शॉप जो है वो भी ठंडे तरीके से ही चल रही है। अच्छा कश्मीरी चाय लगाई थी उसको तो कम से कम चलना चाहिए, वो भी नहीं चल रही, वो भी ठंडी हुई पड़ी है आजकल। कल इतना बड़ा पतीला कश्मीरी चाय का जो है वो ख़राब हो गया था तो उसे फेंकना पड़ा था। तो पता नहीं आजकल बहुत ही कोई ठंडे किस्म के दिन चल रहे हैं हमारी लाइफ के, और ठंड भी लगे जा रही है, कारोबार भी ठंडे हुए पड़े हैं और जेब भी ठंडी हुई पड़ी है और मेरा चैनल भी ठंडा हुआ पड़ा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती ये क्यों ठंडा हो गया, दुनिया जहान के चैनल चल रहे हैं, हर मेरा चैनल अभी इतना चला नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह 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 मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है एक दिन चलेगा ज़रूर। मैं हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारूंगी और दुआ करना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बाकी कुछ लोग हैं जो मुझ पर बंदिशें लगवाते हैं, मेरे चैनल पर बंदिशें लगवाते हैं, पता नहीं उनको बंदिशें लगवा के क्या मिलता है, और अगर मैं तरक्की कर जाऊँगी तो मैं उनको क्या नुकसान दूँगी, कुछ भी नहीं, अपनी लाइफ में बल्कि मैं मसरूफ़ हो जाऊँगी, उनमें तो उनका तस्करा तक भी नहीं करूँगी। शदीद भूख लग रही थी मुझे, मैंने आमिर को कॉल किया, मैंने कहा मेरे लिए आलू वाला पराठा इस टाइम मिलता है, बड़ा मज़े का होता है और सस्ता भी होता है, मैंने कहा वो लेते आइएगा, देखते हैं ले आते हैं या नहीं ले आते, मतलब शॉप खुली हुई तो ले आएंगे, नहीं खुली हुई तो फिर नहीं ला सकेंगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियोज़ को देखा करें, शेयर किया कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।